एनीवाज, वेलकम टू फैब शीतल। मैं हूँ शीतल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक आयुर्वेदिक हेयर टॉनिक जो आपके हेयरफॉल को कम करेगा, जो आपकी जड़ों को मजबूत करेगा, जिससे आपके हेयरफॉल कम होंगे और आपके बालों को पहले से ज़्यादा घना, लंबा और मोटा बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे कोई भी नए वीडियोज़ मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 200 ml कोकोनट ऑयल को गर्म करें मीडियम हीट पे। गर्म होने के बाद आंच को धीमी करें। पहले ऐड करना है करी पत्ता यानी कि करी लीव्स। फिर ऐड करेंगे प्याज। 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहिएगा। पाँच मिनट बाद फिर इसमें ऐड करना है तिल, मेथी दाना और कलौंजी। 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएं, बीच बीच में चम्मच चलाते रहिए। 10 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे आंवला पाउडर। अब फिर से इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं। पंद्रह मिनट बाद गैस को बंद कर दीजिए और हीट से निकाल लीजिए। हीट से निकालने के बाद हमें इसमें ऐड करना है कपूर और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे एक कपड़े से छान लीजिए, जिस कंटेनर में आप इसे स्टोर करना चाहते हैं। फिर फाइनली इसमें ऐड करना है कैस्टर ऑयल और भृंगराज ऑयल और विटामिन ई की कैप्सूल। फिर इसे अच्छे से शेक करना है और आपका आयुर्वेदिक हेयर टॉनिक रेडी है। इसे लगाने से पहले थोड़ा सा इसे वार्म कर लें, बॉईल नहीं करना है वरना आप अपना स्कैल्प जला सकते हैं। इसे एक कॉटन बॉल की हेल्प से स्कैल्प पर अप्लाई करें। रात को आपको इसे स्कैल्प पर मसाज करना है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉश करना है। मसाज और हेयर वॉश करते वक्त सिर्फ हल्के हाथों का यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा जोर से करने से आपके बाल और भी ज़्यादा टूट सकते हैं और आपको इससे लगेगा कि आपका हेयरफॉल और भी ज़्यादा हो रहा है। ये हेयर टॉनिक में फैटी एसिड्स, लॉरिक एसिड्स, निकोटीन एसिड, रिसोलेनिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के है, आयरन है, पोटेशियम है, प्लस इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। इन शॉर्ट में बताऊँ तो ये जो हेयर टॉनिक है ये आपके बालों की रूट्स को मजबूत करता है, जिससे कि आपकी हेयर फॉल रुक जाती है। दूसरा, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को रीबिल्ड करता है, जिससे आपके हेयर फिर से बढ़ने शुरू होते हैं। इससे आपकी बाल्डनेस की प्रॉब्लम भी दूर होती है। ये हेयर ऑयल आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और आपके बाल जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बालों में जो केराटिन होता है उसे सपोर्ट करता है, जिससे हमारे बाल और भी ज़्यादा स्मूथ, स्ट्रॉन्ग और लेस फ्रीजी होते हैं। सिर्फ हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए ही नहीं, ये हमारे बालों को कंडीशन भी करता है, शाइन देता है, हमारे बालों को वॉल्यूम देता है और बाउंसी बनाता है। इतने सारे बेनिफिट्स के बाद आपको नहीं लगता कि इसे एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए? मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इसे अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो बार बार इसे ट्राई करोगे, क्योंकि ये हेयर टॉनिक है ही इतना इफेक्टिव। हेयर फॉल को रोकना अलग चीज़ होती है और बालों को बढ़ाना दूसरी चीज़ होती है, लेकिन ये हेयर टॉनिक दोनों के लिए ही बेस्ट 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 है। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।